मैं आज आपको बताने वाला हूँ OB29 के अपडेट में आपको कौन से बंडल देखने मिलने वाले हैं, मेल फीमेल दोनों बंडल आपको दिखाने वाला पूरा डिटेल में। तो भाई साहब अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको पूरा डिटेल में बताते हैं कौन से बंडल आपको OB29 अपडेट में देखने मिलेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा OB29 का फीमेल बंडल। और बंडल की बात करें तो भाई साहब जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक व्हाइट और रेड का बहुत ही ओपी कॉम्बिनेशन बनाया है। तो यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ, ये 6 पीस में बंडल है और आप यहाँ देख सकते हो जो इसका हेयर डिजाइन है बहुत ही ओपी लगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसकी फेस पेंट की तो फेस पेंट देख सकते हो भाई साहब, ये भाई साहब का सही जहर वाला फेस पेंट मुझे लगा। और इसी के साथ हम बात करें इसके मास्क की तो मास्क देख सकते हो भाई साहब, ये बहुत ही अच्छा लगा। कुछ कुछ कॉपी लग रहा है मुझे इनक्यूबेटर का। और इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो इसका जो जैकेट है बहुत ही खतरनाक मुझे लगी, जैकेट तो बहुत ही ओपी लगी। और जो इसकी पीछे जो बर्ड जैसी डिजाइन दी है बहुत ही ओपी लगी। और इसी के साथ हम बात करें इसके पैंट की तो भाई साहब पैंट तो भाई साहब कतई जहर वाला है, मतलब वन साइड कट दिया हुआ। और इसके शूज की बात करते हो शूज ठीक ठाक लगा, जो नॉर्मल डिजाइन होती है उसी तरीके से। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके मेल बंडल की तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मेल बंडल। और इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा मेल बंडल। तो भाई साहब दोनों कॉम्बिनेशन बंडल है ये भाई साहब आने वाला है OB29 के अपडेट में। तो यहाँ पे आपको इसका ब्रेक डाउन करके बताया हूँ और इसका भी ब्लैक व्हाइट और जो रेड कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ओवरऑल बंडल की बात करें तो भाई साहब कतई जहर वाला बंडल है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो इसकी हेयर स्टाइल है भाई साहब कतई जहर वाला। और इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो इसका मार्क्स, भाई साहब मार्क्स बहुत ही ओपी लगा। जो डिजाइन देख रहे हो साइड साइड से बहुत ही खतरनाक डिजाइन लगी। और इसी के साथ यहाँ पे इसका जैकेट देख सकते हो, शर्ट देख सकते हो बहुत ही ओपी डिजाइन लगी। जो साइड पे दिया हुआ है मार्क्स बहुत ही खतरनाक लगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो पैंट की डिजाइन, हो भाई साहब कतई जहर वाला पैंट की डिजाइन, पैंट मुझे बहुत ही ओपी लगा। और इसी के साथ अगर शूज की बात करें तो शूज भी ठीक ठाक है, इतना भी ओपी नहीं लगा मुझे शूज। लेकिन ओवरऑल बंडल की बात करें तो बंडल भाई साहब कतई जहर लगा मुझे। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा भाई साहब नेक्स्ट बंडल, जो कि OB29 के अपडेट में आपको ये बंडल देखने मिलने वाला है, जो कि ये बंडल 6 पीस में बंडल है। यहाँ पे देख सकते हो हम बात करें पहले इसके बाल की तो भाई साहब देख सकते हो बाल भाई साहब कतई जहर वाला ओपी लुक लगा मुझे, क्योंकि ये डिजाइन भाई साहब फर्स्ट टाइम बनाया है फ्री फायर, बहुत ही अच्छा डिजाइन लगा। और कलर कॉम्बिनेशन भी जो पर्पल और ब्लू कलर का है बहुत ही ओपी लगा। और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट आप देख सकते हो फेस पेंट भी बहुत ही जबरदस्त लगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो जो इसका मास्क है भाई साहब जोकर टाइप में मास्क डिजाइन किया गया। और भाई साहब ये जो मास्क है बहुत ही ओपी लगा मुझे। और आपको कैसा लगा ये मास्क मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो जैकेट है भाई साहब, जैकेट भी मुझे बहुत ही खतरनाक लगी। और उसी के बाद यहाँ पे देख सकते हो पैंट भी भाई साहब ठीक ठाक लगा, इतना भी खास नहीं लगा मुझे। और शूज तो नॉर्मली जो कि हमारा जो रहता है हर तरीके का एक ही डिजाइन का आगे पीछे थोड़ा चेंजेस रहता है। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट बंडल की, इससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे MRK न्यूज चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में होता है। तो देर ना करें, अभी सब्सक्राइब करें। बस अब यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा फीमेल बंडल, जो कि ये भी OB29 के अपडेट में आपको देखने मिलने वाला है। और ये बंडल आप देख सकते हो ये 5 पीस बंडल है। तो भाई साहब अगर हम बात करें इसके बाल की डिजाइन की तो यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रीन कलर का जो बाल है भाई साहब कतई जहर वाला लुक दिया हुआ है। और जो कि ये फीमेल पे भाई साहब बहुत ही ओपी लगने वाला है, क्योंकि ये जो डिजाइन है मेल का बाल दिया हुआ है और भाई साहब अगर इसको फीमेल पे देखा जाए तो बहुत ही ओपी लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसके बाद अगर हम बात करें फेस पेंट की तो फेस पेंट भी नॉर्मल है, इतना भी ओपी नहीं लगा, क्योंकि भाई साहब इस तरीके का फेस पेंट 2-3 फेस पेंट दे चुका है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके जैकेट की तो भाई साहब जैकेट भी नॉर्मल लगी मुझे, इतनी भी ओपी नहीं लगी। और इसके अगर बात करें हम पैंट की तो भाई साहब पैंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देख सकते हो जो एक साइड में जो भाई साहब जो पट्टी ऐसा बना हुआ भाई साहब ये डिजाइन बहुत ही ओपी लगा। और जो सेकंड साइड भाई साहब फुल पैंट दिया हुआ तो वो डिजाइन काफी ओपी लगी मुझे। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इसका जो शूज है नॉर्मल है, इतना भी ओपी नहीं लगा। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट बंडल की, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा न्यू फुटबॉल जर्सी, जो कि इसी टाइप की भाई साहब जर्सी आने वाली थी OB28 के अपडेट में, बट वो जर्सी यहाँ पे नहीं आई है। तो भाई साहब यहाँ पे मुझे जो लगता है कि OB28 की जो जर्सी थी वो OB29 के अपडेट में हमको देखने मिलेगी, और साथ ही साथ में ये जर्सी को भी एड करेगा उसी में। तो यहाँ पे ये जर्सी हमारे जो OB28 की जर्सी थी उसके साथ ये आने वाला है। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट बंडल की तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा भाई साहब नेक्स्ट बंडल, बहुत ही ओपी लगा। और अगर हम बात करें इसके डिजाइन की तो भाई साहब ये डिजाइन मुझे कुछ कुछ भाई साहब OB26 का जो बंडल आया हुआ था उस तरीके के डिजाइन ये कॉपी किया हुआ, बस थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन चेंजेस है और थोड़ी सी डिजाइनिंग में चेंजेस किया है। तो बात करें हम इसके बाल की तो भाई साहब ये बाल थोड़ा थोड़ा हमारा जो गोल्ड रॉयल आया था OB28 का उसी टाइप का ये बाल है। और स्पेक्स भी देख सकते हो उसी टाइप में दिया है, बस इसमें ईयरफोन नहीं दिया हुआ। और इसी के साथ अगर हम बात करें इसके पैंट डिजाइन की तो भाई साहब पैंट डिजाइन भी बहुत ही अच्छा लगा, जो कि फुल ब्लैक है और थोड़ा येलो कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ, बहुत ही ओपी लगा। और उसी के साथ जो ये शूज देख रहे हो भाई साहब ये डायमंड
रॉयल का हमारा एक शूज था गोल्डन कलर का, उसी टाइप में ये शूज दिया और ब्लैक एंड गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन में। तो ओवरऑल बंडल की बात करें तो बंडल भाई साहब ठीक है, इतना भी ओपी नहीं है क्योंकि ये कॉपी डिजाइन किया हुआ है। और इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट बंडल की, तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा फीमेल बंडल, जो कि ये भाई साहब बंडल तो मुझे बहुत ही ओपी लगा। और ये भाई साहब यहाँ पे जो लीक निकल के आ रही है आपको बता दो, ये बंडल भाई साहब गोल्ड रॉयल में हमको देखने मिलने वाला है OB29 की अपडेट में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके 5 पीस बंडल की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कैप की, तो भाई साहब कैप बहुत ही ओपी लगी है क्योंकि इसके जो ऊपर जो स्पेक्स दिया हुआ बहुत ही खतरनाक दिया हुआ, और जो इसका मास्क देख सकते हो मास्क भी भाई साहब थोड़ा अलग डिजाइन का दिया हुआ, बहुत ही ओपी लगा मास्क भी। और इसी के साथ अगर हम बात करें इसके जैकेट की, तो जैकेट भी भाई साहब काफी ओपी लगी है, जो कि येलो कॉम्बिनेशन में और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ अगर हम बात करें ये ग्रीन कलर का जो पैंट है भाई साहब, ये पैंट मुझे बहुत ही ओपी लगा। और ये पैंट का जो कलर कॉम्बिनेशन है आपको बता दूं, जो हमारा रमजान इवेंट आया था उसका ये पैंट मुझे कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और बात करें इसके शूज की, तो भाई साहब इसका जो शूज का जो डिजाइन है भाई साहब नॉर्मल डिजाइन है, कुछ चेंजेस नहीं है। और इसके कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जो ब्राउन कलर का और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है बहुत ही ओपी लगा। ओवरऑल बंडल की बात करें तो बंडल भी बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट बंडल की, तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा नेक्स्ट बंडल, तो भाई साहब ये बंडल कतई जहर वाला लग रहा है। और ये बंडल भाई साहब आपको कुछ कुछ याद दिला रहा होगा भाई साहब इनक्यूबेटर बंडल का, जो कि भाई साहब ये बहुत ही पुराना इनक्यूबेटर बंडल है, और जो इसका जो थोड़ा डिजाइन है भाई साहब उसी में से कुछ लिया गया है। और इसी के साथ अगर हम बात करिए 5 पीस बंडल की, तो देख सकते हो जो इसका हेयर डिजाइन है भाई साहब ये भाई साहब इनक्यूबेटर बंडल का लिया गया है। और अगर हम बात करें भाई साहब फेस पेंट की, तो भाई साहब ये फेस पेंट थोड़ा बैटमैन जैसा लग रहा है, जैसे बैटमैन का जो भाई साहब आग पे लगा रहता था उसी तरीके से आग पे ये मास्क बनाया हुआ है, तो भाई साहब ये बहुत ही ओपी लगा। और ये मास्क मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा चलने वाला है। और अगर हम बात करें इसके शर्ट की, तो भाई साहब शर्ट की जो डिजाइनिंग है बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि जो इसका जो कॉलर डिजाइन है बहुत ही ओपी लगा, और जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है जो येलो ब्लू और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ओपी लगा। और साथ ही साथ में इसके पैंट की हम बात करें, तो पैंट डिजाइन नॉर्मल है, कुछ इतना भी खास नहीं डिजाइन दिया हुआ है, और ना तो कलर कॉम्बिनेशन इतना ओपी लगा क्योंकि जो डार्क ब्लू कलर और ब्लैक कलर है कॉम्बिनेशन ठीक ठाक लगा। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके शूज की, तो शूज भी नॉर्मल है, इतना ओपी नहीं। ओवरऑल बंडल की बात करें, तो बंडल और जो इसका हेयर है भाई साहब हेयर मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस बंडल का। और इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट बंडल की, तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा फीमेल बंडल, जो कि OB29 के अपडेट में ये भी बंडल आपको देखने मिलने वाला है। तो भाई साहब यहाँ पे बहुत सारे बंडल आपको OB29 के अपडेट में मिलने वाला है। तो अगर हम बात करें बंडल की, तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा 4 पीस बंडल। तो 4 पीस बंडल की बात करें, तो यहाँ पे जो पिंक कलर का जो बाल है भाई साहब, ये बाल मुझे ओपी लगा क्योंकि इस तरीके का बाल अभी तक आया नहीं, और ना तो ये कलर कॉम्बिनेशन में हमको फीमेल बंडल में देखने मिला है। और इसी के साथ अगर हम बात करें जैकेट के डिजाइन की, तो भाई साहब जैकेट की डिजाइन बहुत ही ओपी लगी मुझे, और जो इसके पेट पे जो टैटू बना हुआ है भाई साहब, ये टैटू बहुत अच्छा लगा, जो कि टैटू के हिसाब से भाई साहब जैकेट बहुत अच्छी लग रही है। तो भाई साहब अगर इसकी पैंट की बात करें, तो यहाँ पे पैंट का जो डिजाइन है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऊपर जो रेड कलर का शर्ट बना हुआ बहुत अच्छा लगा, और जो ब्लैक और रेड कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ पैंट में वो भाई साहब शर्ट के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर हम बात करें इसके शूज की डिजाइन की, तो भाई साहब शूज की डिजाइन नॉर्मल है, और कलर कॉम्बिनेशन भी ठीक ठाक है, इतना भी ओपी नहीं लगा मुझे शूज। ओवरऑल बंडल की बात करें, तो भाई साहब बंडल तो मुझे ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा। तो भाई साहब ये जितना भी बंडल आपको सबके सब बंडल आपको OB29 के अपडेट में देखने मिलने वाला, तो आपको कौन सा इसमें से बंडल अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई साहब इस वीडियो की मेहनत के लिए एक लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि भाई साहब आपके एक एक लाइक से मुझे मिलती है हिम्मत नई वीडियो बनाने के लिए, तो एक लाइक जरूर से कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, क्योंकि भाई साहब जो भी न्यूज अपडेट रहती है फ्री फायर की आपको जेन्युइन मिलती है 100% कंफर्मेशन के साथ। तो या तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।